यहाँ आने के लिए आपको जहांगीर से लगभग 7 किलोमीटर दूरी तय करके आप चांपा आएंगे। चांपा रेलवे स्टेशन के जैसे 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो सिवनी मोड़ है, वहाँ से आप जरवे पहुँच जाइए। तो जरवे में आप पहुँचेंगे तो वहाँ से एक रास्ता जाता है धनपुर की ओर, और धनपुर में ही है सोनगुड़ा। जय जोहर दोस्तों, मैं हूं प्रजास जी, टूरिस्ट गाइड, और आज हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल जांजगीर ज़िले में। तो जांजगीर चांपा में हम पहुंचे हैं आज धनपुर में। अभी हम लोग हैं धनपुर में और यहां से बस कुछ ही दूरी में है सोनगुड़ा। सोनगुड़ा में एक सुंदर सा वाटरफॉल है, आज आपको वहाँ ले जाने वाले हैं। जांजगीर ज़िला का एक बेहतरीन और सुंदर सा जलप्रपात है, इससे अच्छा जलप्रपात जांजगीर ज़िला का हो ही नहीं सकता। अभी आपको ले जाएंगे और देख सकते हैं, जैसे ही हम धनपुर पहुँचे हैं लगभग जांजगीर से 7 किलोमीटर चांपा सीनियोड़ों जैसे जाते हैं हम लोग, तो जरवे मिलता है और जरवे से रास्ता आता है धनपुर की ओर। तो धनपुर पहुंच गए हैं और यहां से खूबसूरत वादियों का जो नज़ारा है, पहाड़ी श्रृंखला यहां से होती है शुरू। देखो दोस्तों, देख रहे हैं कितने पर्यटक अभी आए हुए हैं, और पार्किंग देख सकते हैं भरा हुआ है, ये गाड़ी देख सकते हैं। और लोकेश भाई आज मेरे साथ देसी टूगर 43। दोस्तों पूरी तरह से थक गया हूँ, क्योंकि एक ही दिन में तीन वाटरफॉल कवर करना, वो भी थोड़ा दूर दूर में, और साथ में मंदिर विष्णु। तो जांजगीर ज़िला में बहुत कुछ देखने के लिए है अगर आप घूमेंगे तो अभी हम जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार जिस तरफ हम चछरा वाटरफॉल गए थे गुढ़ा का, ठीक उसी प्रकार यहाँ हम जा रहे हैं अभी धनपुर में। ये है अपना सोनगुड़ा वाटरफॉल, तो इसके लिए थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा। पपरी पठान देख सकते हैं, पत्थर है। दो वाटरफॉल है यहाँ देख सकते हैं, दो वाटरफॉल है, एक वहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से वहाँ से आते आते यहाँ बन रहा है, सुंदर वाटरफॉल है। अभी हम यहाँ नहाने वाले हैं। बरसात मौसम जैसे अभी आप यहाँ पे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सीजन होगा, और मैं खुद यहाँ भी इंजॉय करने वाला हूँ, नहाने वाला हूँ। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग मेरे साथ, चलते हैं देख रहे हैं। तो कितना सुंदर वाटरफॉल है,
चलिए ऊपर चलते हैं लेके आपको। तो दोस्तों ये मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लोकेश भाई अभी नहीं नहा रहे हैं, मैं अकेले नहा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। वाह वाह, फुल इंजॉय, फुल मस्ती। आप गांधी जिला में इतना अच्छा वाटरफॉल घूमने कहते हैं कि तो ये वाटरफॉल है जस्ट इसके नीचे आता है कि एक बार आपको मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? तो दोस्तों बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है जहांगीर जिला में एक सुंदर वाटर पर आप घूमना चाहते हो तो आज के लिए बहुत ही अच्छा सीजन है ये घूमने का। चलो तो कैसा लगा भाई लोकेश, यहाँ आगे कुछ बताओ। बहुत बेहतरीन नज़ारा है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ का भीड़, यहाँ का लोगों का उत्साह, झरने में नहाने की खुशी, बहुत अमेजिंग व्यू है इधर का। तो देख सकते हैं यहाँ पूरे जंगलों से घिरा हुआ है यह क्षेत्र, और जांजगीर जिला में अगर आप इतने खूबसूरत झरना यहाँ पर है जिसे सोनगुड़ा कहा जाता है, अगर आप यहाँ चाहते हैं तो जांजगीर से आप सिवनी आ जाइए, सिवनी रोड पर दरवे है, दरवे से फिर धनपुर के लिए आ जाइए, धनपुर में यहाँ वाटरफॉल आपको मिल जाएगा। आप किसी भी से पूछ के आ सकते हैं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, रास्ते में भटकने का कोई चांस नहीं, रास्ता खूबसूरत है, बस यही थोड़ा सा जंगल से आपको कच्ची रोड से सामना करना पड़ेगा, बाकी रास्ता बहुत अच्छा है। और देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं ट्रेकिंग करके, थोड़ा 100-200 मीटर का ट्रेकिंग करना पड़ता है, फिर भी लोग यहाँ इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, तो सभी लोग आ रहे हैं। भीड़ देख रहे हो, बहुत खुशी मना रहे हैं लोग, यहाँ से दूर दूर से कूद भी रहे, इतना इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पूरा फैमिली से दोस्त लोग आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, फुल पिकनिक मना रहे हैं। मतलब बोले तो ये फुल पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत बेहतरीन प्लेस है, देख सकते हो चट्टाने और यहाँ की झरने, और कई ऐसी वाटरफॉल बनती है, ऊपर तक जाएंगे तो ऊपर तक वाटरफॉल बनेगा, बट यहाँ से उतना दूर जाना पॉसिबल नहीं है, अगर हो सकता है तो ज़रूर दिखाते। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हम दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको मिलता रहे। अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो घंटी जल्दी जल्दी घंटी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का। तो फिर मिलते हैं छत्तीसगढ़ का ऐसी नया वीडियो साथ, तब तक के लिए जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर डिस्पोजल, पानी पाउच, चिप्स, कुरकुरे, ऐसा पानी, बहुत कुछ यहाँ पर कचरा फैला के जाते हैं टूरिस्ट लोग, जो कि गलत बात है। तो दोस्तों ये सब कचरा फैलाए हैं यहाँ, आपको भी पता है कि ये जंगल एरिया है, यहाँ भी कुछ छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा है, और ऐसा कचरा हमको नहीं फैलाना चाहिए। अगर जो भी चीज़ हम यूज करते हैं उसको पकड़ कर ले जाओ, किसी ऐसी जगह डालो जहाँ नष्ट हो जाए, बिल्कुल ऐसी पर्यटन स्थल पर कचरा ना फैलाएं। दूर दूर से लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, और ऐसा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। आप किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान चाहिए।